क्लास में हमने शुरू किए थे सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम कुछ बताए थे आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आज हम आप लोगों को और थोड़ा अच्छा ढंग से जो सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसका फीचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, यह मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल, इट इज टू बी देयर, ठीक है। इसका फीचर क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, माइंड इट, इट्स ए लिविंग थिंग, ओके। इट इज फ्लेक्सिबल, एज इट इज फ्लेक्सिबल दैट्स व्हाई डिफरेंट साइजेस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ सेल्स आर देयर। थर्ड, सेमी परमेबल, दैट डे आई टोल्ड यू व्हाट इज मेड बाय द टर्म सेमी परमेबल, विच अलाउज ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू। नेक्स्ट, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपो इज फैट, फैट एंड प्रोटीन से मिला हुआ है, ठीक है, डाउन मेम्ब्रेन सीमेंट की तरह, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेमी परमेबल। अब इसका काम क्या है, एज इट इज सेमी परमेबल सो इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, सो फंक्शन इज इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस, सो इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस, ओके। नेक्स्ट इज सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, व्हाई, बिकॉज यू सी प्लांट्स दे रिमेन at one place, they never fixed at one place, so they have to face the different types of problems, like you know wind, इस तरह से जो तूफान वगैरह इन लोगों को सामना करना करना पड़ता है, so they have to be flexible as well hard, हाँ, so that flexibility is given by cell membrane, but that hardness is given by सेल वॉल, ओनली प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स, माइंड इट, ओनली प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज परमेबल, इट इज परमेबल मतलब इट अलाउज एनीथिंग टू पास थ्रू इट, एज वेल एज इट इज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, समझ में आया ना। What is its function? The function it gives rigidity and shape to plant cells. Rigidity and shape to plant cells. Okay? When the plants face the different types of natural wrath, they bend down, yet the cells remain as such. How? It is because of this cell membrane, cell wall. Next is cytoplasm. Cytoplasm, it's a very, very important thing. Cytoplasm, it is a basically a mixture of water and soluble organic and inorganic compounds. ठीक है? It is basically a mixture of water and soluble ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां पर क्या होता है, मैंने आप लोगों को थिंग भी बताया था, ये सेल्स हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स एंड ऑल दिस ऑर्गेनल्स दे परफॉर्म देयर फंक्शन एंड दैट इज व्हाई सेल इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द साइट मस्ट प्लेस फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज and medium for early phase of cellular respiration. जो cellular respiration का early phase का जगह है कौन? यही cytoplasm. Next, देखो यहाँ पे आया endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum दो किस्म का होता है. एक होता है smooth endoplasmic reticulum और एक होता है rough endoplasmic reticulum. जो endoplasmic reticulum के साथ राइबोसोम रहता है,
राइबोसोम बाइंडिंग, RIPOSOME, राइजोम राइबोसोम रहता है वो होता है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास नहीं होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड व्हाट इज इट्स फीचर, इट इज एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन, ट्यूब से तरह डबल मेम्ब्रेन, मतलब इसका मेम्ब्रेन डबल है। ओके, नाउ व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट एंश्योर्स फ्रेमवर्क ऑफ द सेल एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट एज वेल एज देयर ट्रांसपोर्ट। अब देखो एक चीज, फैट बनाता है लेकिन राइबोसोम जो है, अगर राइबोसोम रहता है तो वो फैट प्रोटीन बनाता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे सिंथेसाइज ओनली प्रोटीन फैट। ओके, एंड दे ऑल्सो अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल्युलर मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, नाउ ये तो आप लोगों को हम दे दिए हैं, ये रियल चीज आपको लिख लीजिएगा। ओके, तो आप लोगों को हम जो अभी तक पढ़ाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, नाउ वी विल शिफ्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। It is a double-walled membrane. It has double-walled membrane. Double-walled membrane with inner folds. These inner folds are known as cristae. CRISTAE. ठीक है? और सबसे इसका खासियत क्या है? They have their own DNA and they have their own ribosome. Mind it. So, mitochondria can produce its own replica. And it can produce its own protein. It's very important. Now, why it is called powerhouse of the cell? Because the release of energy. इसे पहले मैंने लिख चुका हूँ, cytoplasm में first phase of cellular respiration होता है, but in mitochondria, the final phase of cellular respiration take place, wherein the pyruvic acid is deoxidized. So deoxidized into pyruvic acid in the form of pyruvic acid, and that pyruvic acid release energy in the form of ATP, and which ATP is stored in mitochondria. ATP is a package of energy, it is known as adenosine triphosphate. So in this way mitochondria is very important, and you will have to remember it. And the most important factor is it has got its own DNA and it has got its own ribosome, mind it. Second, next, number six, Golgi apparatus. Golgi apparatus, it is called in case of plant animal cells, but in plant cells, these are called deuteragonals. In plant cells, these are called deuteragonals. What are these? The structure, it's a stacks of flattened membranous sacs, flat, with a chapter. Membranous sacs, और उसमें ट्यूब्यूल है, वेसिकल है, वैक्यूल है, वेसिकल छोटा होता है, वैक्यूल में तो कोई चीज देखी जो एक वैक्यूल बनता है वो होता है वैक्यूल, ठीक है, ये चीज होता है इसमें जो गॉल्गी एपरेटस है। एंड व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन, इट सिंथेसाइजेस एंजाइम्स एंड हार्मोन, इट सिंथेसाइजेस एंजाइम्स एंड हार्मोन, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन केस ऑफ male reproductive system, just head of the sperm, which is called acrosome, it is made up from this Golgi apparatus. Please remember it and note it down and read it. If you got any problem, you can contact me. Thank you very much.